Namaste and welcome to this exciting new episode of Sotology Debunking Mythology. Sotology means science or truth, the study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake, lie or imagination. आप सबका इस सतोलॉजी के नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है. वन नेशन वन इलेक्शन और हमारे परम आदरणीय प्रोफेसर राम रामेश्वर मिश्र जी उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे. इनसे बढ़िया आपको पॉलिटिकल एनालिसिस कभी मिलेगा नहीं यूट्यूब पे. और मैं इनसे दर्शन की सीरीज शुरू करने वाला हूँ, उसमें भी आप जरूर देखिएगा ध्यान से. तो उससे किसको फायदा है, क्यों फायदा है, पहले कब था, ये सब जरूरी है. और आपको मैं बता दूं, इस इलेक्शन में अमेरिका में ये वीडियो रिकॉर्ड में रहेगा, 16 बिलियन डॉलर खर्च हो रहा है. 16 बिलियन डॉलर पिछले इलेक्शन में जो भारत में हुआ, जनरल इलेक्शन भारत में हुआ था, उसमें करीब अप्रॉक्सीमेटली 4 से 8 बिलियन डॉलर खर्च हुआ, जो कि बहुत बड़ी धनराशि होती है भारत जैसे देश के लिए. और तो क्या चुनाव इतने महंगे होने चाहिए? यही डेमोक्रेसी है, इसको लोकतंत्र तो बोलेंगे नहीं. इन्हीं सब पे पूछेंगे. विदाउट डिले लेट अस वेलकम प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी. वेलकम टू द शो. जय जगन्नाथ. जय जगन्नाथ. जय जगन्नाथ. तो ये इमरजेंसी से पहले तक तो वन नेशन वन इलेक्शन था भारत में. और आज जो आप तो स्टेटिस्टिक्स आप बता ही रहे थे अभी मुझे थोड़ी देर पहले कि सिर्फ 65 दिन ही पिछले 5 सालों में इलेक्शन नहीं हुए हैं. तो इट इज ए बिग एक्सपेंस फॉर भारत के लिए. और क्या डेमोक्रेसी सस्टेनेबल है इस चक्कर में? लोकतंत्र तो है नहीं है. देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिन लोगों ने संविधान बनाया और जिन लोगों ने ट्रांसफर ऑफ पावर के बाद सत्ता प्राप्त की, चाहे उसे आजादी कहें, इंडिपेंडेंस कहें, लेकिन जो पहली बार इंडिपेंडेंट इंडिया में जो लोग शासन में आए, उसमें से काफी लोग वे थे जिन्होंने संविधान बनाया था. उन सब लोगों को वन नेशन वन इलेक्शन में ही आस्था थी. इसका प्रमाण ये है कि स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने 1952, 1957, जब तक जवाहरलाल नेहरू जीवित रहे, 1952, 1957, 1962 ये 3 चुनाव हुए उनके समय, तो वन नेशन वन इलेक्शन के ही सिद्धांत पे हुए. नेहरू जी के बाद 1967 में जो इलेक्शन हुआ वो भी वन नेशन वन इलेक्शन के ही सिद्धांत पे हुआ. इसके बाद इंदिरा गांधी जो हैं वो सोवियत संघ के सहारे, और भारत में सोवियत संघ के जो एजेंट्स थे, जो कम्युनिस्ट अपने को कहते थे, उनके सहारे यहाँ शासन चलाने लगी. तो उनके विरुद्ध स्वयं कांग्रेस में बहुत असंतोष था. असंतोष ये था कि इनको न तो कांग्रेस की परंपरा का ज्ञान है, न भारत की परंपरा का ज्ञान है, न ये कोई राजनीतिक सिद्धांत जानती, न इनको कोई राजनीतिक अनुभव है. जवाहरलाल की बेटी अवश्य थी, पर ये तो जो लोग आते थे मिलने उनसे नमस्ते वगैरह करना, चाय पानी पूछना, ये सब इंतजाम करना, इसके सिवाय कोई राजनीतिक रुचि नहीं थी. बल्कि वो तो फिरोज गांधी वगैरह के साथ अपना प्रेम पूर्ण जीवन जीने की योजना में थी. जवाहरलाल जी के कारण राजनीति से उनका एक एक्सपोजर ये हुआ कि उनका परिचय हो गया, लेकिन राजनीतिक सिद्धांत एक भी उन्होंने नहीं पढ़े. संसार में कितने राजनीतिक सिद्धांत हैं, भारत की अपनी क्या राजनीति की परंपरा है, कोई उनको ज्ञान नहीं था. तो इसलिए कांग्रेस पार्टी के भीतर जो दिग्गज लोग थे, उन्होंने ये कोशिश की कि इंदिरा गांधी को हम अगर सत्ता में बैठाते भी हैं तो बाकी शासन कांग्रेस की परंपरा से चलना चाहिए. लेकिन इंदिरा गांधी को उन लोगों से कि किसी से हम पूछें, सयाने लोगों से सलाह करें, उसके अनुसार शासन चलाएं, ये पसंद नहीं था. तो उन्होंने अचानक उनको पुराने लोगों को अलग करने की योजना पर काम शुरू कर दिया और 2 टुकड़े कर दिए कांग्रेस के. तो जो इंदिरा गांधी के साथ कांग्रेस थी उसके पक्ष में उन्होंने कहा, बीबी गिरी का चुनाव हुआ जब राष्ट्रपति के पद के लिए बीबी गिरी खड़े हुए, तो वो बीबी गिरी भी एक कम्युनिस्ट झुकाव वाले कांग्रेसी नेता थे, तो इन्होंने उनका पक्ष लिया. और अचानक वोटिंग के समय अंतरात्मा की आवाज की बात दी, मतलब कम्युनिस्ट को समर्थन देने के लिए अंतरात्मा की आवाज दी. पार्टी का कोई अनुशासन नहीं, पार्टी में जो कांग्रेस का मतलब ये होता है सभा या समूह अर्थात सबके कंसेंसस से सर्वानुमति से जो पार्टी चले उसे कांग्रेस कहते हैं। इसीलिए कांग्रेस में बहुत सारे आइडियाज थे, बहुत सारी आइडियोलॉजी थी, बहुत सारे फैक्ट थे, सबका रिप्रेजेंटेशन था और उनके बीच एक तालमेल बनाकर कंसेंसस से सर्वानुमति से वो लोग राजनीति करते थे। यहाँ तक कि नेहरू का कम्युनिज्म की ओर झुकाव था, लेकिन फिर भी पुराने संस्कार के कारण नेहरू ने भारत में लोकतंत्र को बनाए रखा और काफी लोगों की राय लेते थे। यहाँ तक कि आप देखिए अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में अच्छा भाषण दिया तो नेहरू ने उसकी प्रशंसा की और कहा कि तुम में वो गुण है जो कल को तुम भारत के प्रधानमंत्री भी हो सकते हो। इतना बड़प्पन था और लोकतंत्र का शील था, लेकिन इंदिरा गांधी को ये सब पसंद नहीं था, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी के दो टुकड़े कर दिए और फिर अचानक प्रिवी पर्स खत्म कर दिया राजाओं का, जो कि आश्वासन दिया था राजाओं को कि आप अपने रियासतों को, अपने राज्यों को भारत संघ में विलय कर दीजिए। ये जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने आश्वासन दिया था, उस वचन को तोड़ दिया, वचन भंग कर दिया और बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया कम्युनिस्ट तर्ज पर। नेशनलाइजेशन तो नाम है, वस्तुतः वो पार्टी के निर्देश पर बैंक चलाए जाएं ये था। तो वो जो एक कॉमर्स के या बिजनेस के तरीके होते हैं उसकी बजाय पार्टी लाइन पर बैंकों को चलाना, ये प्रयोजन था। इसके लिए बड़ा भारी नारा दिया, गरीबी हटाओ। ये कम्युनिस्टों की एक स्लोगन माइंडेड टर्मिनोलॉजी है, इसका वस्तुता है वो गरीबी अभी तक नहीं हटी। राहुल का कहना है, राहुल गांधी आए दिन कहते हैं कि गरीबी अभी भी है, और इंदिरा गांधी ने 1971 में ही नारा दे दिया गरीबी हटाओ। और बांग्लादेश की जो घटना घटी उसमें सारे भारत ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी उनका साथ दिया, भरपूर साथ दिया। एक राष्ट्रीयता की भावना से सब लोगों ने साथ दिया और पूर्वी पाकिस्तान में जो हिंदुओं की प्रताड़ना हो रही थी उसके लिए जनसंघ ने बहुत सत्याग्रह किया। और कांग्रेस के संसद में अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण भी था कि हम जो विरोध कर रहे हैं विरोधी दल के नाते, उसका मूल उद्देश्य राष्ट्र के हित में केंद्र की सरकार को निर्णय लेने में सहायता मिले, सुविधा हो, इसलिए कर रहे हैं। ये कोई शासन के विरोध के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं। हमारा आंदोलन का काम है जो लोक चेतना है, लोक मानस है, उसको जगाना, उससे केंद्र शासन राष्ट्र के पक्ष में निर्णय ले, इसमें सहायता देना। ये स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी जी का संसद में भाषण। तो इस भाव से राजनीति चल रही थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने विरोध की राजनीति शुरू कर दी, दूसरों को एक तरह से खलनायक बताना, विदेशी हाथ की बात करना, हमेशा ये बताना कि हमारे सिवाय जो भी पार्टियां हैं वो सब विदेश से संचालित हैं, उनमें विदेशी हाथ है, और जबकि वो स्वयं विदेश से संचालित थी, सोवियत संघ से। तो उन्होंने पहली बार क्या किया, 1972 में चुनाव ड्यू थे, 1967 के बाद हर 5 वर्ष में चुनाव होने का तय हुआ था, तो उन्होंने 1971 में ही अचानक चुनाव की घोषणा कर दी। ये पहली बार डिसरप्शन, एक अवरोध, एक टकराव, एक टूटन आई। इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि 6 साल की होनी चाहिए लोकसभा, ऐसी कोशिश की। ये अलग बात है कि फिर आपातकाल लगाया और आपातकाल के विरोध में जो आंदोलन था जयप्रकाश नारायण का, वो देश भर में बहुत प्रभावी हुआ। तो विश्व जनमत का भी दबाव था, देश के भीतर भी बहुत से अच्छे लोगों का दबाव था, जिनका कांग्रेस में भी प्रभाव था उनका भी दबाव था। तो चुनाव घोषणा की और इंदिरा गांधी बुरी तरह उत्तर भारत में हार गई। तो फिर जो पार्टी सत्ता में आई उसने फिर से 5 साल वाला कर दिया, लेकिन इससे क्या है, डिसरप्शन हो गया। तो अभी मूल बात यह है कि जिन लोगों ने ट्रांसफर ऑफ पावर के बाद देश की सत्ता संभाली और जिन लोगों ने संविधान बनाया, क्योंकि संविधान सभा की जो पॉलिटिकल ड्राफ्ट कमेटी थी उसके चेयरमैन स्वयं जवाहरलाल नेहरू थे, उन सब लोगों का मानना था 1 नेशन 1 इलेक्शन। राम मनोहर लोहिया भी उस समय ही संसद में थे, 1967 से पहले। 1967 में 12 अक्टूबर 1967 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का देहांत हो गया, जिसमें कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के इशारे पर उनको डॉक्टरों ने जानबूझ के उनके भीतर इंफेक्शन फैलने दिया। जो भी हो, सच पता नहीं, लेकिन 1967 तक डॉक्टर लोहिया जीवित थे। और जो 1967 का चुनाव हुआ वो भी 1 नेशन 1 इलेक्शन के आधार पर हुआ। अब जब ये इंदिरा गांधी आई तब से इन्होंने उसको भंग कर दिया। क्यों? क्योंकि ये देश में तोड़ फोड़ चाहती थी। इन्होंने हिंदुओं के बीच तो कहा कि मैं भारत की एकात्मता की पक्षधर हूँ, भारत को एक देखना चाहता हूँ, लेकिन माइनॉरिटीज का फेडरेशन बनाने की कोशिश की। हिंदुओं के विरुद्ध मुसलमान, मुस्लिम, क्रिश्चियन और कम्युनिस्ट, इन तीनों को एकजुट करने की कोशिश की और भारत में डिसरप्शन हो जाए, भारतीय राजनीति में खुंद छा जाए, लोगों के सामने कुछ स्पष्ट न रहे कि क्या हो रहा है। इसके लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन को क्यों तोड़ा गया? देश की राजनीति में अराजकता और अस्पष्टता पैदा करने के लिए, और सरकारी दल के पास जो भी संसाधन हैं उनका उपयोग करें, लगातार चुनाव कराएं जिससे कि जो विरोधी दल हैं वो संभल ही नहीं पाएं, और पूरी सरकारी मशीनरी लगातार चुनावों में लगी रहे, इस योजना से उन्होंने किया था। ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। वन नेशन वन इलेक्शन की जो परंपरा है, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, सरदार पटेल ने, राम मनोहर लोहिया ने, जयप्रकाश नारायण ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, दीनदयाल उपाध्याय ने, सबने माना। 1967 तक ये सारे नेता राजनीति में जो थे और राजनीति के बाहर रह के भी जो राजनीति के विचारक माने जाते थे, जयप्रकाश नारायण जैसे लोग, उन सब का एक ही मत था, वन नेशन वन इलेक्शन। तो अभी की जो कांग्रेस है, पहले तो उसको ये बताना चाहिए कि क्या वो जवाहरलाल नेहरू को डिसोन करती है, क्या वो लाल बहादुर शास्त्री को डिसोन करती है, क्या वो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को डिसोन करती है, क्या वो सरदार पटेल को डिसोन करती है, वो क्यों वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में? ये अपने ही नेताओं को डिसोन कर रही है, और जो उनके साथ अखिलेश यादव या दूसरे लोग हैं उनको भी बताना चाहिए कि क्या वो राम मनोहर लोहिया को अब नहीं मानते। ना उन्हें जवाहरलाल नेहरू पसंद है जो स्वयं एक समाजवादी थे, ना उन्हें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पसंद है, ना उन्हें जयप्रकाश नारायण पसंद है। चक्कर क्या है फिर? ये किस विचार की बात करते हैं? विचार इनके लिए एक कवर है। इनको अपने अपने ही पार्टी के और अपने देश के बड़े बड़े नेताओं, जो हमारे महान पूर्वज थे, इनका सारा देश सम्मान करता था, उनकी कोई चिंता नहीं है। तो ये तो वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करना भारत की पॉलिटिकल लीगेसी को, नेशनल लीगेसी को, राष्ट्रीय विरासत को, राष्ट्रीय परंपरा को डिसोन करना है, अस्वीकार करना है। अपने जो राष्ट्र के बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने जब जिस सिद्धांत पर राजनीति चलाई उसको डिसोन कर रही है कांग्रेस, और विरोधी दल भी जो अपने आप को, कोई लोहियावादी कहता है, कोई कुछ कहता है। राम मनोहर लोहिया जब तक चुनाव लड़े वन नेशन वन इलेक्शन के आधार पर लड़े। मैं खुद राजनीति में बाद में सक्रिय हुआ था, तो हम लोगों ने वोट दिया है, तो एक साथ एक अलग अलग डिब्बे होते थे तब, बैलेट पेपर, बैलेट बॉक्स। तो एक में केंद्र के लिए, लोकसभा के लिए वोट डालते थे, एक में विधानसभा के लिए, सबको पता था। यानी एक साथ चुनाव एक सामान्य प्रक्रिया है, एक नॉर्मल प्रोसीजर है, एक नॉर्मल प्रोसेस है, देश को स्वस्थ और एकजुट रखने के लिए। दूसरी समस्या ये है कि पिछले 5 वर्ष में ये धीरे धीरे क्या हुआ, जब इंदिरा गांधी ने भंग किया तो उसके बाद फिर तरह तरह से, कहीं विधानसभा भंग कर देना, जो सरकार हमारे अनुकूल नहीं हो उसको भंग कर देना, इस तरह के तिकड़म चलते रहे, छल प्रपंच चलते रहे। तो एक ऐसा समय आ गया जब देश में लगातार चुनाव हो रहे हैं, कभी इस राज्य के, कभी उस राज्य के, या फिर कभी पंचायतों के चुनाव हैं, कभी जो ऑटोनॉमस बॉडीज हैं उनमें उनके चुनाव हैं, मतलब जो नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत, चुनाव ही चुनाव, पंचायतों के चुनाव हैं, नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव हैं। अब कोई भी चुनाव होता है तो पहले तो उसमें आचार संहिता लागू हो जाती है। आचार संहिता का अर्थ है कि आप 1 महीने पहले से पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बस इलेक्शन की ओर ध्यान देता है, लॉ एंड ऑर्डर, सोशल प्रॉब्लम्स बंद। इसके अतिरिक्त जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी एग्जीक्यूटिव जो लीडर्स हैं, यानी जो मंत्री हैं, एग्जीक्यूटिव के टॉप लीडर, उनका कहना नहीं मानती, उनको लटकाने रहती। ये बहुत परिचित है कि ब्यूरोक्रेसी जब देखती है कि अब चुनाव आ रहा है तो वो सोचते हैं लेट अस वेट, प्रतीक्षा करें आगे कौन शासन में आएगा। तो वो बड़े बड़े टॉप ब्यूरोक्रेट जो चाहते हैं वो काम तो वो करते रहते हैं, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं, जो एग्जीक्यूटिव के हेड हैं, जो मंत्री हैं, उनकी बताई फाइलें, उनके बताए नोट्स, उनके बताए काम पे रोक लग जाती है। एक तो सबसे बड़ा नुकसान ये है। दूसरे क्या है, यानी लगातार अगर चुनाव होंगे तो आचार संहिता घोषित होगी। आचार संहिता के नाम पे जो नॉर्मल फंक्शनिंग है सोसाइटी की, नागरिकों की, वो ठप, केवल चुनाव की बातें हो रही। अफसर अपना जो चाहते हैं उनको ओबलाइज करते रहेंगे और बाकी कह देंगे अगर मंत्री ने कुछ कहा तो सर चुनाव है, चुनाव के समय हमने ये वो आचार संहिता की समस्या है, कामों में अड़ंगा डालें। दूसरी समस्या ये है कि सब चुनावों में पुलिस फोर्स लगती है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, IAS हो चाहे PCS हो चाहे उसके नीचे के ऑफिसर्स हो, सबऑर्डिनेट जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बाद जो एकदम लोअर एडमिनिस्ट्रेशन है चाहे वो लिपिक हो चाहे चपरासी हो, सबकी तो ड्यूटी लगती है। कोई पोलिंग ऑफिसर है, कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, इस तरह कोई रिटर्निंग ऑफिसर है, तो सारा जो सरकारी तंत्र है वो चुनाव में लगता है। नतीजा ये होता है कि उस समय वास्तव में शासन तो हो ही नहीं पाता। और पिछले 5 वर्ष में क्या हुआ, केंद्र के चुनाव तो जो हुए सो हुए ही, इसके सिवाय विधानसभाओं के चुनाव लगातार हो रहे हैं, फिर पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, नगर निकायों के चुनाव हो रहे हैं। 5 वर्षों में केवल 65 दिन ऐसा मिला जबकि कोई चुनाव नहीं है, यानी नॉर्मल शासन चल रहा है। ये क्या हो रहा है? ये तो शासन और प्रशासन के हिसाब से भी बहुत अशुभ है। और इसका जो खर्च वाला पक्ष है उसका आपने शुरू में उल्लेख किया, खरबों रुपए लग रहे हैं, खरबों डॉलर रुपए लग रहे हैं। ये क्या हो रहा है? आप भारत सरकार और प्रांत सरकारें नागरिकों से जो टैक्स लेती हैं वो चुनाव के लिए तो नहीं लेती हैं। मूलतः ये टैक्स लिया जाता है अच्छे शासन और प्रशासन के लिए, नागरिकों के सुख सुविधा को और शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, सुख सुविधा में वृद्धि के लिए, प्रगति के लिए, जिसे आजकल विकास कहने लगे हैं। 1951 से लेकर 55 तक अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के जो भाषण हुए उसमें जो डेवलपमेंट शब्द आया उसको यहाँ विकास कहा जाने लगा। उस डेवलपमेंट का अर्थ तो मुख्यतः USA और वेस्टर्न यूरोप को डेवलप करना था, लेकिन यहाँ उसी की नकल चली और अब विकास, भारत में विकास का पहले अर्थ होता था चरित्र का विकास, विद्या का विकास, ज्ञान का विकास, आध्यात्मिक विकास। अब ये सड़क बनाना, बिल्डिंग बनाना, डिपार्टमेंट्स नए नए खोलना, उसमें सरकारी कर्मचारियों की और भर्ती करना या कुछ उत्पादन थोड़ा बहुत करना अधिक, लेकिन सबसे ज्यादा तो सरकारी तंत्र का ही खर्चा बढ़ता गया, उसी को डेवलपमेंट कहते हैं है? और साथ में रेल, सड़क, अस्पताल आदि बनाना, फिर कुछ फैक्ट्रीज बनाना। अब डेवलपमेंट का ही आ गया। वो डेवलपमेंट भी उस बीच ठीक से नहीं हो पाता, यानी एक मशीन की तरह जो अफसरशाही काम करती है, लेकिन उसमें जो जनप्रतिनिधियों को ध्यान रखना चाहिए, नजर रखनी चाहिए, सुपरविजन रखना चाहिए, टाइम ही नहीं। अभी तो आचार संहिता लगी, तो ये तो विचित्र सा चल गया। एक तो प्रशासन को मनमानी करने का, अगर प्रशासन में कोई गैर जिम्मेदार प्रशासक 2 प्रकार के होते हैं, कुछ तो बहुत ही अनुशासित और कुछ लापरवाह है, तो जो लापरवाह प्रशासक हैं उनको मनमानी करने का मौका मिल गया। दूसरे, पुलिस लगी है और प्रशासन ड्यूटी में लगा है, तो पुलिस बाकी समय नागरिकों की रक्षा से ज्यादा वो ये ध्यान देते हैं कि हम चुनाव ठीक से करा लें, नहीं तो हल्ला मच जाएगा वहां ये। और इसी बीच ऐसे होता है कि कहीं पोलिंग बूथ में गड़बड़ी होती है। अब तो खैर इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गई है तो काफी कम हुआ है, नहीं तो पहले तो एक पोलिंग बूथ पर कब्जा कर लिया और उसमें ठप्पा मार दिया अपनी पार्टी का और इकट्ठे वोट डाल दिए बैलेट बॉक्स में। ये बहुत होता था, हमने खुद देखा है, हमारे सामने कुछ ने गुंडागर्दी की, रोको तो पुलिस कहती है नहीं नहीं हम झगड़े में नहीं पड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी कई बूथ में कैप्चर करके, और बाद में लालू यादव ने भी ये किया, अन्य दलों ने भी किया, वोट इकट्ठा डाल देते थे जबरन। अब प्रशासन जो है वो चुनाव की ड्यूटी में लगा है, वो जो सामान्य पुलिस कार्रवाई, प्रशासन की कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो भी नहीं होती। नागरिकों की सुरक्षा छोड़ के केवल चुनाव के प्रबंध में पुलिस लगी रहती है साल में अधिकांश दिन। तो सब खर्चा सबसे बड़ा है, नागरिकों के राजस्व का इतना बड़ा हिस्सा बजाय उनकी सुरक्षा और उनकी सुख शांति के लिए आवश्यक प्रगति के कार्यों में लगने के, बस चुनाव। अब चुनाव तो एक रिचुअल है ना भाई, आप लोगों का वोट लेते हैं ताकि आपको सैंक्शन मिलती है, सैंक्शन के नाम पर आपने तो उनको उसी सैंक्शन में लिपते हैं। अभी नगर निगम का चुनाव हो रहा है तो ग्राम पंचायत का चुनाव हो रहा है तो विधानसभा का चुनाव हो रहा, तो सैंक्शन किसके लिए थी? सैंक्शन थी राष्ट्र को, ठीक से नीति बनाइए आप और प्रशासन अच्छे से करें, इसके लिए आपको समय मिले। जनप्रतिनिधित्व का चुनाव यही होता है, लेकिन आपने अगर इस तरह से चुनावों में उन्हें व्यस्त रखा तो न तो जनप्रतिनिधियों को पर्याप्त समय मिलता, न जनप्रतिनिधि शासन और प्रशासन पे नियंत्रण रख पाते। खर्चा इतना अधिक है, क्या तमाशा है? तो सब प्रकार से केवल वन नेशन वन इलेक्शन ही शुभ है, और जो इसका विरोध कर रहे हैं वो डिसोन कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू को, लाल बहादुर शास्त्री को, सरदार पटेल को, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, सबको डिसोन कर रहे हैं। राहुल गांधी अपने ही पार्टी के दिग्गज नेताओं को डिसोन कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध का अर्थ है कि आप जवाहरलाल नेहरू को डिसोन कर रहे हैं, आप राजेंद्र प्रसाद को डिसोन कर रहे हैं, अपने दिग्गज सीनियर नेताओं को डिसोन कर रहे हैं। इसका मतलब नाम कांग्रेस है लेकिन आपकी आत्मा में कम्युनिज्म घुस चुका है। मोदी जी ने ठीक कहा कि अब लगता है कि अर्बन नक्सल और टुकड़े टुकड़े गैंग कांग्रेस को चला रही है, वही विरोध कर रहे हैं। नहीं तो वन नेशन वन इलेक्शन सब प्रकार से लाभकारी है, आर्थिक लाभ है, राजनीतिक लाभ है, प्रशासनिक लाभ है, राष्ट्रीय एकता का भाव आएगा, सब प्रकार से ये लाभकारी है। जी अमेरिकन इलेक्शन में अब आजकल क्या हो गया है, अमेरिकी इलेक्शन, क्योंकि अमेरिकन इलेक्शन की कॉपी की जा रही है भारत में भी, अमेरिकन इलेक्शन में क्या हो गया है कि पैसे से कांग्रेसमैन इलेक्ट हो जाते हैं, जिसके पास ज्यादा पैसा वही इलेक्ट होता है। और हम ये भी देख रहे हैं कि उसमें क्या होता है, लोगों के मुद्दे चले जाते हैं, वापस बाहर चले जाते हैं, करप्शन लीगलाइज हो जाता है, क्योंकि जो भी आपकी पार्टी में पैसा लगाएगा आपको उसको कुछ तो देना पड़ेगा वापस, तो करप्शन बढ़ जाता है उससे। और बड़ी बड़ी रैलीज होती हैं सबकी, और बड़े बड़े भारत तोड़ो यात्रा, भारत ये सब निकलता रहता है। उससे लोगों को विभाजित भी बहुत होते हैं, क्योंकि पैसा लगाने वाले तो फिर बाहर से भी आएंगे जिनको भारत में अच्छी डील्स चाहिए। तो इस विषय में आपको क्या कहना है कि करप्शन कितना बढ़ता है इलेक्शन, वन नेशन अगर ये इलेक्शंस ना हो? बहुत अधिक बढ़ता है, क्योंकि चुनाव तो करप्शन की जड़ है। अब इसको सब लोग जानते हैं, और ये ऐसा है कि क्योंकि जो सब लोग जानते हैं तो कोई उसका प्रमाण भी नहीं देता। मुझे खुद अनुभव है, मैं 1-2 चुनावों में, लोकसभा चुनाव में अपने जिले का संचालक था, चुनाव संचालक, चुनाव प्रचार प्रभारी था, तो मुझे पता है सब पत्रकार आते हैं, जो भी, अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो पूरे लोकसभा के इलाके के बड़े बड़े मीडिया कर्मी सब आपसे अप्रोच करते हैं, साहब हम आपका छापेंगे, पैसे दीजिए। आप मीडिया को पैसे देते हैं, आप लोगों को खुश करने के लिए पैसे देते हैं, और ये बार बार होता है। तो इसमें करप्शन तो बढ़ना ही बढ़ना है। इसके सिवाय चुनाव का जो खर्च है, तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जब बहुत छोटा था उस समय पहली बार 1962 का चुनाव हुआ था, मैं तब छोटा ही था, 17 साल का, चीनी आक्रमण हो गया था, तो हम लोग राजनीति में रुचि रख रहे थे स्टूडेंट के नाते। लेकिन हमारे इलाके में विधानसभा का चुनाव जिन यमुना प्रसाद शास्त्री ने लड़ा था, उनके पास कुल 500 रुपये थे, ये सबको पता था, और एक साइकिल थी, और उसके द्वारा वो चुनाव जीत गए। और वही शास्त्री जी 1977 में महाराजा मार्तन सिंह के विरुद्ध चुनाव लड़े, उस समय जनता ने पैसा दिया। मैं उस समय यमुना प्रसाद शास्त्री के चुनाव प्रचार का प्रभारी था। हम लोगों ने अपनी ओर से भी काफी साहित्य छापा, लेकिन हमने देखा जनता, युवक आ रहे हैं, सब अपने से आ रहे हैं, अपनी साइकिल लेके आ रहे हैं, अपनी मोटरसाइकिल लेके आ रहे हैं, अपने से पैसे दे रहे हैं, उन्होंने सब प्रचार किया। और महाराजा जो पहले कोई जगन्नाथपुरी जाता था विंध्य क्षेत्र का, तो अंत में एक बार महाराजा के दर्शन आवश्यक होते थे। आप जगन्नाथपुरी से आए हैं तो महाराजा के दर्शन कीजिए, तब पुरी की यात्रा सार्थक होगी। तीर्थ यात्रा करके आए हैं, महाराजा के दर्शन कीजिए। ऐसे जो सर्वमान्य महाराजा थे, वो 77 के चुनाव में शास्त्री जी से हार गए, यानी एक असंभव घटना। और जब हारे हैं तब कोई पैसा नहीं था। लेकिन फिर 80 में जो चुनाव हुआ, उसमें भी मैं चुनाव प्रचार प्रभारी था, और हरि विष्णु कामत जैसे दिग्गज नेता, सारे देश के कई नेता उसमें आए प्रचार करने के लिए। उस समय पैसे बहुत थे, क्योंकि प्रदेश में भी जनता पार्टी की सरकार बन गई थी, और पैसे थे तो मंत्री लोग पैसे लाके देते थे, तो हमको स्वयं भी मीडिया वालों को पैसे देने पड़े। माने 77 में बिल्कुल पैसे नहीं थे, और 80 में बहुत अधिक पैसे लोगों को देने पड़े। और ऐसे 80 के बाद फिर करप्शन चलने लगा बहुत ज्यादा। 80 के बाद चुनाव लगातार महंगे हो गए, और अब जो चुनाव लोकसभा के होते हैं वो तो 20 करोड़ 25 करोड़ में एक लोकसभा का चुनाव एक पार्टी का होता है, और उसमें 4 पार्टियों का या कम से कम 2-3 पार्टियों का इतना ही खर्च होता है। बाकी जो लोग खड़े होते हैं वो भी कोई करोड़, कोई 50 लाख, कोई छोटे मोटे, उनकी जमानत जब्त हो जाती है तो सोचते हैं चलो हमारा नाम तो हुआ। तो ये तो भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा स्रोत है, बार बार चुनाव होना। एक बार हो जाए बहुत साफ सुथरा सब रहता है, बल्कि उसके लिए दीनदयाल उपाध्याय जी ने चुनाव सुधार के लिए और भी सुधार दिए थे, सुझाव दिए थे। अभी उनकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो इन्होंने केवल एक कदम रखा है जो भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का जो लगातार नीति दस्तावेज रहे हैं, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स रहे हैं, फिर मैनिफेस्टो रहे हैं, चुनाव घोषणा पत्र रहे हैं, उनमें इन सबके सुधार की बहुत बात की गई है। अभी तो इन्होंने उसमें केवल एक कदम उठाया है, वन नेशन वन इलेक्शन। तो कांग्रेस को क्या हो गया है? ये वो कांग्रेस नहीं है जो जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस थी, या जो गांधी की कांग्रेस थी, या जो उसके पहले लोकमान्य तिलक की कांग्रेस थी, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय की कांग्रेस थी, वो तो खत्म हो गई। ये तो अर्बन नक्सल्स और टुकड़े टुकड़े गैंग की कांग्रेस है। इसको तो देश में अराजकता फैलानी है और हर काम में विरोध करना है। वन नेशन वन इलेक्शन जैसा एक पवित्र नीतिगत कार्य जो कांग्रेस के लोगों ने स्वयं शुरू किया था और सभी विरोधी दलों की सहमति से किया था, जवाहरलाल नेहरू के साथ राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, सबकी सहमति थी। बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, सबकी सहमति थी। सारे राष्ट्र की सहमति से वन नेशन वन इलेक्शन शुरू हुआ था, उसको मोदी जी लागू कर रहे हैं केवल एक कदम। अभी अपने पार्टी का और कोई संशोधन तो उन्होंने लागू ही नहीं किया है। दीनदयाल जी ने बहुत से सुझाव दिए थे। एक तो ये कहा था कि वोटिंग परसेंटेज के आधार पर रिप्रेजेंटेशन तय हो, तो जिस पार्टी के आधार पर वोटिंग हो, जिस पार्टी को जितने वोट मिले उतने परसेंटेज उसकी सीट कहलाएगी, और फिर वो अपने बेस्ट लोगों को नॉमिनेट कर देगी। वो तो अभी दूर है। और जयप्रकाश जी ने तो कहा कि भाई दलविहीन बनाओ इस जनतंत्र को। सच्चा प्रजातंत्र भारत में वो है तो पार्टी लेस डेमोक्रेसी हो, क्योंकि पार्टी का भारत के संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। एक तरह से पॉलिटिकल पार्टीज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी, भारत के संविधान में राजनीतिक पार्टियों का कोई उल्लेख ही नहीं। तो इस तरह के सुझाव थे, वो तो दूर हैं। ना तो जयप्रकाश नारायण के सुझाव का अमल हो रहा है, ना दीनदयाल उपाध्याय के इसके बेहतर सुझावों का। अभी केवल पहला चरण जिसमें कांग्रेस के सब नेताओं की सहमति थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, सरदार पटेल की, जवाहरलाल नेहरू की, लाल बहादुर शास्त्री की, सबकी सहमति थी, और विरोधी दल के सब नेताओं की सहमति थी, राम मनोहर लोहिया की, दीनदयाल उपाध्याय की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, अटल बिहारी वाजपेयी की, जयप्रकाश नारायण की। सर्वसम्मत जो नियम था, और जो 1967 तक, यानी ट्रांसफर ऑफ पावर जो 1947 में हुआ, उसके बाद 20 वर्षों तक बड़े सुंदर ढंग से चलता रहा, उसको फिर से लाने की कोशिश है। तो ये जो डिसरप्टिव एलिमेंट्स हैं, जो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार बढ़ाना चाहते हैं, वो उसका विरोध कर रहे हैं। भ्रष्टाचार तो बहुत अधिक होता है, इतने बार बार चुनाव होना केवल भ्रष्टाचार की जड़, इसको समाप्त करना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन सही दिशा में पहला कदम। बहुत बहुत एक और इसमें एक पॉइंट आता है कि जैसे आपने भ्रष्टाचार की एक बात किया, दूसरा लोग ऐसा आर्गुमेंट देते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, पार्टियां खर्चा करती हैं, पर लोगों को शायद मालूम नहीं है कि उन्हीं का पैसा लेके रोटेट किया जाता है। उसमें झंडे वालों का या ऑर्गेनाइजर्स का जो इकोनॉमिक होता है उसको इतना मेजर इम्पैक्ट नहीं होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है कोर इंडस्ट्रीज में, जहाँ पे परमानेंट जॉब्स क्रिएट की जाए, इससे टेम्प्रेरी जॉब्स क्रिएट होती हैं, तो एक स्पाइक आता है इकोनॉमी में, लेकिन वो इकोनॉमी पूरी तरह इम्प्रूव नहीं होती है क्योंकि इसमें एक्सपेंसेस ज़्यादा है और नॉन ग्रोथ आइटम्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। नॉन ग्रोथ एजुकेशन जैसे आपने हाँ, तो ये जो जीडीपी और जीएनपी है ये तो अपने आप में कंफ्यूजिंग चीज है, क्योंकि वो तो कहते हैं आप कोई मर भी गया और उसमें कुछ खर्चा आया, उससे भी आपका जीएनपी या जीडीपी बढ़ता है, ये तो फालतू की बात है ना। आपने पेड़ काट दिए उससे भी बढ़ गया, फिर पेड़ नए लगाए उससे भी बढ़ गए, ये तो एक जादू है, मतलब लोगों को भ्रमित करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, नंबर्स के लिए। काम झंडे वालों को तो काम वैसे ही भारत में मिलता है, पार्टी का नहीं करेंगे तो इतने सब धार्मिक आयोजन होते हैं रात दिन। अरे पार्टियां क्या झंडा लगाएंगी? अभी मैं शहर गया था भोपाल और वहां से लौट रहा था, रास्ते पर झंडे लगे हैं। क्यों? कहीं भागवत हो रही है, कहीं वो भंडारा हो रहा है, कहीं सिंधी समाज कुछ कर रहा है, कहीं जैन समाज कर रहा है, कहीं सनातन धर्मी कर रहे हैं। झंडे हैं और झंडे लगाने वालों को कोई बेरोजगारी नहीं है, उनको 12 महीने काम मिलता है। इसलिए जो झंडा और प्रचार की बात है वो बिल्कुल झूठ है। लाउड स्पीकर हमारे यहाँ जरूरत से ज्यादा बजते हैं बिना चुनाव के, तो किसी को कोई रोजगार की कमी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी केवल इस तरह से एक न्यूसेंस जरूर क्रिएट करती हैं, अगर लगातार चुनाव में लगी रहें तो सब झूठ बोलने की प्रतिस्पर्धा चलती है, क्योंकि लगातार आप क्या करेंगे। हाँ, ये भी तो, हो गया है कि कैंपेन में आप झूठ बोल सकते हैं। अमेरिकन बीमारी आ गई है। नहीं, हालत ये है। अच्छा, चंदा की पॉलिटिकल पार्टी जो है, या तो आप उसमें ये नियम बना दो कि जो उसके मेंबर होंगे वो स्वयं उसका खर्च वहन करेंगे और उसको पब्लिश करिए, सार्वजनिक करिए। पॉलिटिकल पार्टीज को जो चंदा मिलता है वो तो कभी पब्लिक किया नहीं जाता, तो ये तो ब्लैक मनी है। और ब्लैक मनी है ये मैं प्रैक्टिकली भी जानता हूं। मैं स्वयं अपने जीवन में मैंने इतनी संयम से जीवन जिया है, लेकिन जब चुनाव के समय काम किया है तो मैं मुझे खुद जो मंत्रियों ने पैसा दिया उसका क्या हिसाब था। आप मीडिया को दे रहे हैं क्योंकि आप उनके भरोसेमंद। ये तो ब्लैक मनी का धंधा चुनाव के नाम पे चल रहा है। और कांग्रेस के करप्शन के में एक, सॉरी आप कुछ बोल रहे थे, आप थोड़ा डिले है, बताइए। आपकी बात भी कह रहे थे कि इसका ग्रोथ से कोई संबंध नहीं है, रियल प्रोडक्टिव कोई भी काम नहीं होता। सो कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने एक लॉजिक दिया था कि जो कैंपेन के जो फंड्स हैं, अभी बॉन्ड का जो कंट्रोवर्सी हुआ था भारत में बॉन्ड्स का, उसने लॉजिक दिया था कि ये जो कैंपेन के फंड्स हैं, जो हमारी स्कीम्स होती थी पहले, जैसे भ्रष्टाचार हुआ, कोयले का भ्रष्टाचार हुआ, बहुत सारे होते थे कांग्रेस के। उसका कारण ये था कि कांग्रेस की किटी में फंड्स आए, ये था मेन था पर्पस। अब क्या हो गया है कि कैथोलिक चर्च जो है, अब इसको वेरीफाई करना चाहिए पूरे भारत के मीडिया को कि कैथोलिक चर्च कांग्रेस को फंड क्यों कर रहा है, या चाइना कांग्रेस को फंड क्यों कर रहा है, अमेरिका कांग्रेस को फंड क्यों कर रहा है, अमेरिका ने राहुल गांधी को बुलाया क्यों फंड कर रहा है। अभी शिव कुमार कर्नाटका के कांग्रेस पार्टी के, उसको एरिक गारसेटी ने भारतीय अमेरिकी राजदूत भारतीय भारत में उसने क्यों बुलाया। तो ये सब चीजें भी करप्शन का कारण है, जिससे कि फॉरेन का हस्तक्षेप बढ़ जाता है। अब जैसे भारत में फेसबुक का यूज सब लोग करते हैं, दुनिया भारत को मालूम नहीं है कि फेसबुक जो है CIA चलाता है, और वो तो कांग्रेशनल में एडमिट किया है उसने, फेसबुक के फाउंडर ने। और गूगल, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंस्टाग्राम, ये सब CIA के चलते हैं। अब ये सारे एप्लीकेशंस सबको मालूम है किस तरह अमेरिकन एप्लीकेशंस हैं, और अमेरिकन एप्लीकेशंस कैसे चलते हैं भारत में, प्लेटफॉर्म्स हैं सारे। और ये भी एक तरह का करप्शन है, क्योंकि इसमें वो भारत के लोगों की मानसिकता बदल रहे हैं। जैसे कल मैं मैं फेसबुक पे कुछ रील्स देख रहा था, इतनी अश्लील वीडियोज हैं वो, ऐसा लगता ही नहीं कि, ऐसा लगता है कि वो एक तरीके का अश्लील पोर्नोग्राफिक कल्चर अमेरिका का वो भारत में डाल रहे हैं, और भारत के लोगों को प्रमोट किया जा रहा है उस पर, उनके सबके व्यूज हैं बहुत सारे। तो अमेरिका टिकटॉक बैन कर सकता है, अमेरिका ये बैन कर सकता है, और अमेरिका ने अभी जो है वेस्ट ने टेलीग्राम वालों को भी बुलाया, लेकिन सबसे ज्यादा पॉर्न प्रमोट जो होता है, इस तरह की अश्लील हरकतें, वो अमेरिकन प्लेटफॉर्म कर रहे हैं भारत में। क्या ये भी करप्शन नहीं है, क्योंकि ये भी इलेक्शन में बहुत यूज होते हैं। तो अमेरिका ने फेसबुक को यूज करके म्यांमार में तख्ता पलट किया, मेक्सिको में किया, वेनेजुएला में किया। देखिए, इसको दो तरह से करेंगे। पहली बात जो पहले आपने कहा था उसको लेते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को फॉरेन फंडिंग इलीगल है, गुपचुप अगर करते हैं तो हवाला से आएगा। कानूनी तौर पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फॉरेन फंडिंग लीगली उस पर रोक है, इसलिए फॉरेन फंडिंग जो आ रही है वो इलीगल है और सरकार उस पर रोक लगा सकती है, लगाना चाहिए। कोई किसी भी फॉरेन नेशन को या फॉरेन एजेंसी को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड करे। फंड करने के दूसरे तरीके वो निकालते हैं, प्रोजेक्ट को आप कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेते हैं, कोई चैरिटी प्रोजेक्ट लेते हैं, उसकी आड़ में ले रहे हैं, उस सब को भी सरकार नियंत्रित कर सकती है। लेकिन सरकारों को नियंत्रित करने का समय मिले, इसके लिए भी जरूरी है कि उनको शासन का समय मिले। ये हमेशा चुनाव में लगे रहेंगे, चुनाव में सारे नेताओं को, सारे प्रमुख नेताओं को जाना होता है, तो जो प्रमुख नेता नीतिगत निर्णय लेकर उनको कार्यान्वित करने का ध्यान, सुपरविजन कर सकता है, पूरे डिपार्टमेंट को हैंडल कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, डिसिप्लिन कर सकता है, वो चुनाव की सभाओं में दौड़ता है। तो एक, लेकिन फिर भी फॉरेन फंडिंग जो है वो तो लीगली रोकी जा सकती है, वो शासन का काम है। अब जहां तक आप इसको कह रहे हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि, ट्विटर आदि, तो ये जो अभी करप्शन का एक उसकी लॉ में करप्शन जिसे कहते हैं उसके अनुसार तो ये करप्शन नहीं, इसको भारत में जो भ्रष्टाचार कहते हैं, भ्रष्टाचार का मतलब होता है भ्रष्ट आचरण, अर्थात ऐसा आचरण जो मर्यादा विहीन है, धर्म विरुद्ध है, दूसरों के जीवन में अन्यायी हस्तक्षेप। डॉक्टर लोहिया कहते थे अन्यों के जीवन में अन्यायपूर्ण हस्तक्षेप। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो भी सोशल मीडिया अमेरिकन जो एजेंसीज हैं, वो सब की सब क्या है, भारत के नागरिकों के जीवन में अन्यायपूर्ण हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसका कानून बनाया जा सकता है इसके बारे में जागरूकता फैला के, लेकिन अभी की जो लीगल पोजीशन है उसमें इसको करप्शन नहीं कह सकते। लीगल पोजीशन करप्शन की यह है कि जो लॉकल एक्टिविटी है, भारत सरकार ने, क्योंकि जबरदस्ती कोई एजेंसी नहीं आ सकती देश में, अगर सरकार ने अनुमति दी है तो वो आ रही। तो करप्शन की जो अभी परिभाषा है हमारे लॉ में, उसके अनुसार तो ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं अमेरिकी, वो करप्ट नहीं, लेकिन भ्रष्ट आचरण, अनैतिक आचरण, अधर्ममय आचरण, पापपूर्ण आचरण की परिभाषा में ये आते हैं। ये भारत के नागरिकों के जीवन में बलपूर्ण हस्तक्षेप करते हैं, फोर्सफुल इंटरवेंशन। तो ये अपने आप में एक सिंफुल एक्टिविटी है, एक इविल है, तो उस अर्थ में नहीं होना चाहिए। इनका सदुपयोग भी होता है वो भी ठीक है, लेकिन इनको एक कोई मर्यादा बांधनी पड़ेगी और वो सरकार कर सकती है। तो इसको अभी की भाषा में करप्शन नहीं कह सकते, लेकिन ये नागरिकों के जीवन में बलपूर्ण हस्तक्षेप है, अनैतिक काम है, नीति विरुद्ध है, अनुचित काम है, यही कहें जी। बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला, बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने। और एक आखिरी जो लोगों को लगता है प्रश्न, मुझे तो बहुत लगता है कि मैं एक उदाहरण देता हूं आपको कि अमेरिका में दो पार्टीज काम करती हैं, डेमोक्रेट उसका सिंबल है गधा और दूसरा है रिपब्लिक उसका सिंबल है हाथी। ये दोनों पार्टीज करती हैं, दोनों पार्टीज एक ही को रिप्रेजेंट करती हैं, दोनों एक ही फंडिंग से चलती हैं। ये वो, और भारत ऐसा देश नहीं है क्योंकि भारत में अमेरिकन डेमोक्रेसी नहीं चल सकती क्योंकि भारत का मानसिकता अलग है। अच्छा, भारत में सुनने का, लोगों को सुनने का बहुत चाव है, विश्लेषण सुनने का बहुत चाव है, और भारतीयों का दिमाग से अमेरिका में देश प्रेम नहीं है, वहां पर अपनी सत्ता को बनाए रखने का प्रेम है, देश प्रेम नहीं। किसी को जमीन से लगाव नहीं है क्योंकि जमीन उनकी है ही नहीं, उनको मालूम ही है। अगर किसी अमेरिकन को पूछेंगे तो बोलेगा कि मैं इटालियन अमेरिकन हूँ, आई एम इटालियन, आई एम स्पेनियर्ड, आई एम देश, ये बात वो करेगा जो यूरोप के देशों की है। भारत का एकदम अलग ही है, हम लोग भारत से हैं, हम भारत से हैं, हम भारत से, मतलब भारत की हर भूमि रामायण से कनेक्टेड है। भारत का पूरा हर जितने भी कोने हैं सब भारत, रामायण, महाभारत से कनेक्टेड है। तो एक अलग तरीके की मानसिकता है भारत में, और क्षेत्रीय मानसिकता भारत में आ ही नहीं सकती क्योंकि कोई, सब लोग पिंड देने के लिए गया जाते हैं, कोई पिंड देने के लिए वृंदावन जाता है, कोई कहीं पे, मतलब सभी लोग हर सब जगह जाते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल जब इलेक्शंस होते हैं और जब कैंपेन्स चलते हैं जिसमें सब लोग झूठ बोलते हैं तो उसमें उकसाने का काम किया जाता है क्योंकि बाकी सब तो कॉमन है। अगर किसी को जैसे काशी में जाना है, जैसे काशी में साउथ इंडिया के लोग बहुत जाते हैं वहाँ पे, और महाराष्ट्र के तो ज़्यादातर लोग काशी में जाके ही मरते हैं, वहाँ पे जाके संन्यास लेते हैं लोग जाके महाराष्ट्र से। और केरल के लोग भी उत्तरी यात्रा करते हैं। केरल के जो महारानी है वो तो कस्टोडियन है काशी की, मंदिर काशी विश्वनाथ की। तो प्रॉब्लम ये है कि वो रिलीजियस साइड में तो भारत यूनाइटेड है पूरा धार्मिक दृष्टि से, और जब ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने इश्यूज लेकर आती हैं इनको फिर वो आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी पड़ती हैं। जैसे कि डीएमके को सनातन धर्म के विरुद्ध बोलना ही पड़ेगा अगर उसको चर्च को सेटिस्फाई करना है, केरल की कम्युनिस्ट पार्टी को सनातन धर्म के विरुद्ध बोलना ही पड़ेगा अगर उसको चर्च को सेटिस्फाई करना है, और बांग्लादेश में ममता बनर्जी जैसे लोगों को मुसलमानों के लिए बोलना ही पड़ेगा अगर उसको वोट चाहिए, उन लोगों के वोट चाहिए। तो मेरे हिसाब से भारत को टूटने का भी काम होता है बार बार इलेक्शन करने पर। आपको क्या लगता है? तोड़ने का भी काम है बार बार इलेक्शन से तो निश्चित टूटते हैं, लेकिन उसमें देखिए कि ये जो पार्टियां हैं ये अभी उभरी हैं। जो पहले की पार्टियां थी, कांग्रेस थी, फिर सोशलिस्ट पार्टी हुई, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हुई, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी हुई, जनसंघ हुई, हिंदू महासभा हुई। ये कोई पार्टी देश को तोड़ने का काम नहीं करती थी। यानी जो भारत की धरती में जितने विचार उत्पन्न हुए हैं उनसे जुड़ी जो पार्टियां हैं वो अनेक पार्टी होकर भी भारत को तोड़ने का काम नहीं करती थी। डॉक्टर लोहिया जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करते थे तो राष्ट्र के संदर्भ में करते थे। अगर वो राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा करें तो वो उसका प्रशंसा करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी की भरपूर प्रशंसा की जब उन्होंने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में अपने सैनिक भेजकर उनकी सहायता की, तो क्योंकि हिंदुओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहा था उसकी मांग भी सबसे पहले जनसंघ ने ही की थी कि भाई ये क्या हो रहा है पूर्वी पाकिस्तान में, हिंदुओं के साथ अत्याचार। पश्चिमी पाकिस्तान में जो हुआ अत्याचार उसको भी जनसंघ ने उठाया था, हिंदू महासभा ने उठाया था, आर्य समाज ने उठाया था, कई संगठनों ने उठाया था। तो भारत की धरती में जो विचार पनपे हैं स्वाभाविक रूप से, या कह दें कि हिंदू समाज, हिंदू की जो हमारे हिंदू लॉ में जो परिभाषा है उसमें जैन, बौद्ध, सिख सब हिंदू कहलाएंगे। आप दूसरी परिभाषा कर लें, सनातन धर्म, भारत का जो सनातन धर्म है उसकी जितनी भी शाखाएं हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, उनमें से किसी विचार को मानने वाले या इन संस्कारों से भरपूर, कभी समाजवादी हो गए, विदेशी में ले लिया, लेकिन फिर भी जिनमें संस्कार थे जैसे डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश नारायण, तो इन लोगों की राजनीति ने कभी देश में डिसरप्शन नहीं किया, कभी तोड़ने को। कांग्रेस का विरोध करते हुए भी ये देश को लगातार मजबूत कर रहे थे। तो पार्टियां जो देश को तोड़ रही हैं वो हैं जो या तो चर्च से प्रेरित हैं या मजहबी उग्रवाद से प्रेरित हैं, और भारत में सारा ही कम्युनिस्ट आंदोलन चर्च से प्रेरित है। ये चर्च का खिलौना है। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि कम्युनिज्म जो है वो एशिया के विरुद्ध यूरोप का आखिरी हथियार है। एशिया का हो यानी भारत के विरुद्ध सबसे बड़ा यूरोपीय इंटरवेंशन यानी चर्च का, क्रिश्चियन चर्च का इंटरवेंशन कम्युनिज्म है। तो भारत में कम्युनिज्म चर्च के द्वारा चलाया जाता है। अब कम्युनिस्ट लोग मजहबी उग्रवादियों से भी काफी पैसे खाने लगे हैं, काफी लेने लगे हैं। तो ये तो टुकड़खोर लोग हैं, भारत के कम्युनिस्ट बोलते हैं टुकड़खोर लोग हैं, टुकड़ों पर पलते हैं। और पहले जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी कुछ इन्हें टुकड़े दिए गए थे, इंदिरा गांधी ने बहुत से टुकड़े दिए, और फिर ये चर्च की योजना से काम करते हैं और साथ ही मजहबी उग्रवाद। तो भारत में तोड़ने का काम वो पार्टियां करती हैं जो या तो चर्च से प्रेरित हैं जैसे कम्युनिस्ट पार्टी और बहुत सी पार्टियां अब हो गई हैं, अभी जगन रेड्डी आया था, बहुत से लोग हैं, या जो मजहबी उग्रवाद की पार्टी। स्वयं भारत की अपनी धरती से जुड़ी जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी पहले भारतीय जनसंघ थी, इसने कांग्रेस के विरुद्ध बहुत से आंदोलन किए। कोई आंदोलन ऐसा नहीं था जो देश को कमजोर करता हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर को लेकर आंदोलन हो, चाहे भारतीय भाषाओं के पक्ष में आंदोलन हो, चाहे पूर्वी पाकिस्तान की मुक्ति के समय आंदोलन हो, चाहे तिब्बत के प्रश्न पर आंदोलन हो। जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने जो भी आंदोलन किए वो कांग्रेस की कमजोरी अथवा कांग्रेस का दोष अथवा कांग्रेस की लापरवाही अथवा कांग्रेस के भ्रष्टाचार के विरुद्ध थे, देश को मजबूत करने वाले थे। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी डॉक्टर लोहिया की जो पार्टी थी उसकी भी क्या मांगे थी? देशभक्ति, देश की रक्षा, तिब्बत की रक्षा, चीन को रोकना, भारतीय भाषाओं में काम करना, यही सब बातें थी। रामकृष्ण और शिव को राष्ट्र भर में जो महत्व प्राप्त है उसके अनुसार सांस्कृतिक नीतियां बने। भाषा पर, लिपि पर, संस्कृति पर, सब विषयों पर उन्होंने बात की। गौरक्षा पर इन सब ने बात की। गौरक्षा आंदोलन में इन सब का सहयोग था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और बाकी जनसंघ और भाजपा, हिंदू महासभा, आर्य समाज का तो था ही। तो भारत की अपनी धरती से जो उपजी हुई पार्टियां हैं वो देश को तोड़ने का काम नहीं करती। चर्च और चर्च का ही जो एक कुचल्ला है कम्युनिस्ट और मजहबी उग्रवाद, ये तीन से जुड़ी पार्टियां देश को तोड़ने का काम करती। अब उसमें भाजपा जैसी पार्टियों की समस्या ये है कि वो जरूरत से ज्यादा सज्जन है इस विषय में, उनको जो उन लोग मतलब ठीक से फिक्स नहीं करते। जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी चर्च की एजेंट है, ये भारतीय जनता पार्टी को खुल के कहना चाहिए। जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि अर्बन नक्सल और टुकड़े टुकड़े गैंग कांग्रेस को चला रहे। ये बहुत सुंदर सत्यपूर्ण निर्णय है, सत्यपूर्ण कथन है, सत्यपूर्ण उद्घोष है, सत्यपूर्ण घोषणा है। ऐसी ही घोषणा ममता बनर्जी के लिए भी करनी चाहिए। ऐसी घोषणा जगन रेड्डी के लिए भी करनी चाहिए, लेकिन राजनीति में बहुत सी मजबूरियां होती हैं, तो करेंगे आगे चल के। ममता बनर्जी भी मजहबी उग्रवाद की एजेंट है, इसलिए देश के लिए खतरनाक है। ये जो अखिलेश है, इसका तो आप पोल खुल गई। अफजल गुरु को फांसी, अफजल नामक एक व्यक्ति को पहले तो गुरु कहना, उस बदमाश को, अपराधी को, एक अफजल नाम का क्रिमिनल है, उसको अफजल गुरु कहना, फिर अफजल गुरु की फांसी की विरोध करना और मजहबी उग्रवाद का समर्थन करना, भारत की सेनाओं की निंदा करना। ये जो अभी मुख्यमंत्री बनाया है अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मारलोना को, वो तो चर्च की एजेंट है और कम्युनिस्ट है और मजहबी उग्रवाद की एजेंट है। तो ये तो सब बहुत ही खतरनाक है। तो जो लोग भारत की धरती के बाहर के विचारों से प्रेरित हैं, वो राजनीति में देश को तोड़ने का काम करते हैं। जो भारत की अपनी धरती से, मान लो कोई अपनी जाति का भी पक्ष लेता है, जैसे मुलायम सिंह हैं, तो ये दूसरे तरह से भ्रष्टाचारी थे, लेकिन इन्होंने देश को तोड़ने वाली बातें पहले तो नहीं की। अभी अखिलेश करने लगा है। अखिलेश आजकल अपने पिता को और जो अपने, जिनको वो प्रेरक बताता है, राम मनोहर लोहिया, उनको भुला दिया है उसने, और वो इन लोगों के साथ है, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ। लेकिन वैसे भारत की धरती से उपजे राजनीतिक दलों ने कभी भारत को कमजोर नहीं किया। वो कांग्रेस का विरोध भी करते थे, तो इस तरह से जिससे देश मजबूत हो। कैथोलिसिज्म ने तो पूरी दुनिया बर्बाद करी है। कैथोलिसिज्म से बड़ा कोई आतंकवाद नहीं है, और उसमें तो खून ही खून है उनके हाथों पे, हर जगह है। अमेरिका का क्या हालत किया, अभी कोई मेरी नई पुस्तक देखेगा, मेरे आने वाली है सोल ऑफ बिजनेस, उसमें जो न्यूयॉर्क को किस तरह बनाया गया है, इस माइंड ब्लोइंग स्टोरी कि पूरी के पूरे नापे ट्राइब जो है न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में जो रहती थी, किस तरह मार दिया गया उसको, ये कैथोलिक चर्च के द्वारा। एनीवे, इसमें हमारे राजनीतिक दलों का बहुत बड़ा दोष है, खासतौर से भाजपा का। ये तो चर्च और क्रिश्चियनिटी के नाम पर जो हत्याएं हुई हैं, कांग्रेस ने इसको भारत से खत्म कर दिया, कभी चर्चा नहीं होने दी। लेकिन भाजपा को क्या समस्या है? चर्च किस तरह से, कितना उसने खूनी खेल खेला है, इसको भाजपा को हाईलाइट करना चाहिए, उभारना चाहिए। क्योंकि हिंदू समाज जो है और भारत का मुख्य समाज, वो ये इतनी हिंसा से घृणा करेगा, इसीलिए कम्युनिज्म यहाँ नहीं पनप पाया। लेकिन चर्च की हिंसा, चर्च का विनाश, चर्च की क्रूरता, चर्च की नृशंसता, इसको पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी उभारती नहीं है, उसे उभारना चाहिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से देखा जाए तो बहुत नुकसान किया है, जो अपेक्षा के विरुद्ध कार्य किया है लोगों की। एनीवे, मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। नुकसान तो कुछ नहीं किया है, कोई नुकसान नहीं किया, लेकिन जो और करने की अपेक्षा थी लोगों की, या हमारे जैसे लोगों की, वो करना चाहिए था, मैं कम किया है। नुकसान तो कोई नहीं किया है, अपेक्षा की बात कर रहा हूँ, सिर्फ अपेक्षा जो थी हिंदुओं को ज्यादा, वो सुनिए। कि हम सोचते थे कि ये होगा वो होगा, तो हमारी पर तुषारापात किया है, हमारी उम्मीदों पर, हमारे सपनों पर, लेकिन भारत का कोई नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने आज तक नहीं किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी दर्शकों का जो इसको देखेंगे। इस पर जरूर कमेंट करिए, लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए इस वीडियो को, और इसके छोटे छोटे क्लिप्स बनाइए आप अपने चैनल्स में चलाने के लिए, ताकि आप ये संदेश को लोगों तक आप पहुंचाएं। नमस्ते, और आप फिर हम लोग मिलेंगे अगले शो में। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।